हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज सीए इंटर में रोहित हमारा स्टूडेंट, जिन्होंने अकाउंट्स की क्लास हमसे पढ़ी थी और इन्होंने 22nd रैंक ऑल ओवर इंडिया लेकर आए हैं, AIR 22। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार रोहित से हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर रोहित ने कैसे काम किया, क्या स्ट्रेटजी थी। और बाकी बातें, इस इंटरव्यू का सिर्फ एक ही मोटिव है कि जितने भी मेरे बच्चे, चाहे वो किसी भी कोर्स के हैं, इस वीडियोज को देख रहे हैं, तो रोहित जितनी बातें बताएंगे उसमें जो अच्छी बातें हैं वो अपने अंदर आप लेकर आए। और हम चाहेंगे कि नेक्स्ट जो जहाँ रोहित आज बैठे हुए हैं या बाकी बच्चे बैठते हैं, वहां पे कल को आप भी बैठे। तो रोहित, कैसे हैं बच्चे? अच्छे सर, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ और आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेट्स। पहले तो आप इतने से रैंक लेकर आए हैं। रैंक लाना हर एक बच्चे का सपना होता है, नो डाउट, और आपने उसको पूरा किया है। थोड़ा सा मुझे बताइए अपने मम्मी पापा के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, गुड, और सब बिल्कुल रिजल्ट देख के तो खुशी थी कि इतना ऑल इंडिया रैंक भी मिले, मार्क्स भी अच्छे आए हैं। तो ये आपको खुशी हुई कि मम्मी पापा को भी खुशी हुई थी? थे खुश। मैं तो एक्चुअली मैं और मेरे भाई थे घर पे जब रिजल्ट देखा, तो फिर कॉल करके बताया। चलो, बहुत अच्छी बात है। मतलब वो भी खुश हुए ना, फिर तो ऑब्वियस बात है मम्मी पापा भी खुश हुए। अभी रोहित, एक बात बताइए, कितने घंटे आप स्टडी करते थे बच्चे? क्योंकि रैंक लाने के लिए मेरे हिसाब से एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा, कितने घंटे स्टडी करते थे, क्या आपका टेक्निक था पढ़ने का, ताकि बच्चे जो हमारे देख रहे हैं उनको भी ये टेक्निक पता रहे, वो भी मेहनत करें उसी तरीके से, और फिर वो अपने जो सपने उनके उनको भी पूरा करें। तो कितने घंटे स्टडी करते थे, क्या आपका रूटीन होता था बच्चे? सर, मेरा जो स्टडी का पैटर्न था वो मतलब घंटे के हिसाब से नहीं बनाता था। मैं एक ब्रॉड प्लान बना लिया, फिर उसको ब्रेकअप करके कि इस वीक में क्या करना है, फिर डेली मुझे क्या कंप्लीट करना है, उस हिसाब से करता था। और तभी भी अगर हम आवर्स की बात करें तो नॉट मोर देन 7-8 आवर्स ऑन एनी डे। गुड। मैं भी हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आवर्स मैटर नहीं करता, क्वालिटेटिव स्टडी कितना करते हो आप, कितनी क्वालिटी के साथ करते हो, कितना कॉन्सेंट्रेशन के साथ करते हो, वो ज्यादा मैटर करता है। तो आवर्स कभी, मैंने सुना है खासकर कई सारे बच्चे जो होते हैं मुझसे पूछते हैं कि सर सीए कर रहा हूँ, 20 आवर्स पढ़ना होगा, 18 आवर्स पढ़ना होगा। तो मैं उनको कई बार बताया, एक बार फिर से करता हूँ, मैंने भी अपने टाइम पे, चाहे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हुए हैं, 20 आवर्स, 16 आवर्स, 15 आवर्स स्टडी के नहीं होते हैं, क्वालिटेटिव स्टडी कितने घंटे करते हैं वो मैटर करता है। अच्छा रोहित, अकाउंट्स में कितने मार्क्स हैं? अकाउंट ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में एक बार मुझे शेयर कीजिए। भाई, ग्रुप 1 में 87 और ग्रुप 2 में मुझे 75। 75 आपका। तो कुछ फायदा मिला मुझसे पढ़ने से, या फिर नहीं पढ़ते तब भी हो जाता? कॉन्सेप्ट में क्या था? मैंने जो था पहले, मतलब जो स्टार्ट ही करा था, तो मैंने ऐसे कर लिया जो छोटे छोटे चैप्टर हैं बिल्कुल, वो मैंने जल्दी से निपटा दिए। फिर मैंने आपके लेक्चर्स ले लिए, और जो मेन मेन है लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, डिपार्टमेंट ब्रांच जैसे चैप्टर थे, फिर मैंने वो इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि वो सेल्फ मैंने ट्राई करा था लेकिन वो काफी मुश्किल लग रहे थे, तो जब मैंने आपकी क्लास ली तो फिर कॉन्सेप्ट समझ के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, क्राइसिस मटेरियल उठाया, तो मेरे को काफी उससे हेल्प मिली। गुड। तो उसमें क्या कोई रेटिफिकेशन दिखा, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट पे मेहनत हुआ था मेरी तरफ से? कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या दिखा था वो, क्या समझ में आया उसमें आपको? यस सर, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो आई आई थी कि जिस वजह से मैं मतलब इतना स्कोर कर पाया, और जो भी मैं क्वेश्चन ट्राई करता था तो मेरे से हो जाते थे, RTP MTP फर्स्ट टाइम भी उठा के। क्योंकि जो क्लासेज आपने पढ़ा था उसमें सब कुछ कवर किया हुआ है, जितने भी आपके RTP MTP स्टडी मैट के क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्जामिनर जितने अच्छे क्वेश्चन बना सकता है, सोच सकता है, सब कुछ कवर किया गया था। रोहित, आगे का अपना सपना क्या बच्चे? आप सीए क्वालिफाई करने के बाद आपको इंडस्ट्री में जाने का मन कर रहा है, यानी कि जॉब करना चाहते हो, या फिर आप अपने खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो? कुछ आपने डिसाइड किया है, क्या करना चाहते हैं आप? तो मैं जॉब करना चाहता हूँ, वो स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्स में मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है। चलो गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज और आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, इवन दो जैसे बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा मानना है कि अगर आपका पीछे का बैकग्राउंड अगर आपका सीए फॉर्म का नहीं है, मतलब आपके पेरेंट्स या कोई अगर सीए फॉर्म रन नहीं करता, तो डिग्री को कंप्लीट करते ही उसको स्टार्ट करना थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल वाला पार्ट हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट बनाना, उसमें मेहनत करना बहुत टफ काम हो जाता है।
तो बेटर होता है कि पहले इंडस्ट्री का आप एक्सपोजर लो, इंडस्ट्री में काम करो, अच्छा एक स्टैंड बनाओ, अच्छा पैसा अर्न करो, उसके बाद अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस में जाने के लिए तो प्रैक्टिस में जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले अपना एक इंडस्ट्री का एक्सपोजर होना चाहिए नो डाउट इसके अंदर में। अभी आपने कुछ आदित्य देखा है बच्चे, कहीं स्टार्ट करने वाले हैं आप? नहीं सर, अभी मैं रेगुलर कॉलेज हंसराज कॉलेज डीयू से अपना ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, तो अभी स्टार्ट नहीं कर सकता, नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अभी आप थर्ड ईयर में हो अभी बीकॉम के? सेकंड फोर्थ सेमेस्टर मतलब ईयर? सेकंड ईयर। फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड ईयर। तो अभी एक साल का गैप लेंगे, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। कई यस सारे बच्चे मैंने देखा है कि जो यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, एक्चुअली वो कहते हैं कि यार बीकॉम छोड़ दो फिर अपना और सीए को कंटिन्यू करो, क्योंकि अब इंटर निकल गया, फाइनल की बात है। वो एडवाइजेबल होता नहीं मेरे तरफ से भी, यानी कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। बेटर होता है कि पहले हम क्या करें कि अपना जो कॉलेज जिसमें 2 साल हमने डिवोट किया हुआ है उसको कंप्लीट कर लें। आप एक काम जरूर करना मेरे तरफ से, बाकी बच्चे भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं अगर आप इस स्टेज पे हैं तो, कि जो 1 साल का जो टाइम पीरियड है ना आपके पास, जब आप आर्टिकलशिप शुरू करोगे और अभी का, इसके बीच में फाइनल के बहुत सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बहुत चेंजेस नहीं आते हैं, आप उनका स्टडी करना शुरू कीजिए। आप इसको एक अच्छे तरीके से प्लान कीजिए, जैसे कई सारे पेपर हैं जिसमें कि चेंजेस नहीं आते हैं, कई साल तक चेंजेस नहीं आते हैं, आप उनको स्टडी करना शुरू कीजिए, उनपे बहुत अच्छी तरीके से मास्टरी कीजिए, क्योंकि जब आर्टिकलशिप आपका शुरू होगा उस टाइम पे आपके पास इतना समय नहीं होता कि आर्टिकलशिप के साथ प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाए। तो मेरे हिसाब से ये 1 साल का जो पीरियड आपका, इसको बेहतर तरीके से यूज कीजिए, आप इसमें अपना स्टडी शुरू कीजिए, वेट कीजिए आपका आर्टिकलशिप कॉलेज कंप्लीट होने का, आर्टिकलशिप शुरू कीजिए, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन शुरू कीजिए और बाकी चैप्टर्स की स्टडी कीजिए, ये बेहतर तरीका होता है मेरे हिसाब से। आप भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहते हैं, है ना बच्चे? और नो डाउट कि आप इंटर में रैंक लेकर आए हैं तो आपको फाइनल में भी रैंक आएगा, लेकिन एक चीज मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कभी भी रैंक सोच के हम स्टडी नहीं करते। जितना हम रैंक के बारे में सोचेंगे, जितना स्ट्रेस लेंगे, उतना एफर्ट आपका क्या होता है कि डाउन होता है, उतना दिक्कत आती है। तो एफर्ट मतलब स्ट्रेस को कम रखते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, स्टडी करते हैं, और यही तरीका रोहित भी फॉलो करेंगे मेरे हिसाब से, और बाकी सारे जो बच्चे मेरे हैं उनको भी यही फॉलो करना चाहिए। ट्रू रोहित? इस मैटर में थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्ट करूंगा आपसे। मैं बताइए बताइए। तो ऐसे हूँ, मैं रैंक को लेके स्टार्टिंग से रैंक की सिंगल डिजिट रैंक लाना है, तो उसका ये एक फायदा है, मैं जब भी टाइम वेस्ट करता था तो मेरे को रियलाइज होता था नहीं कि ऐसे करा तो नहीं आ, तो ये मतलब दिमाग से हर वक्त मैं सोता भी था तो दिमाग में आता था नहीं अच्छे से पढ़ना है ये करना है, तो मतलब मेरे लिए ऐसा मोटिवेशन काम करता था। मैं एक बीच का रास्ता निकालता हूँ आपका और मेरे दोनों के, ताकि कॉन्ट्राडिक्शन ना हो इसके अंदर में। मेरे हिसाब से रैंक के बारे में प्लानिंग करना, रैंक सोचना क्या होना चाहिए, एक डिफरेंट चीज होता है, जो कि रोहित बता रहे हैं वो ठीक है बहुत हद तक, लेकिन रैंक लाना है, रैंक लाना है, रैंक लाना है, रैंक लाना है, और इसको लेके स्ट्रेस रखना और उस स्ट्रेस में स्टडी नहीं करना, वो गलत होता है एक्चुअली। तो इन दोनों में बैलेंस किया जाए, इनकी भी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। एक रास्ता, एक जो डेडिकेशन होता है कि यार मुझे ये काम करना है, एक गोल जो फिक्स करना, आप वो फिक्स कीजिए, लेकिन स्ट्रेस लेवल, एक्चुअली मैं हमेशा बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ, स्ट्रेस लेवल कम रखो आप। जितना स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा, आपका मोटिवेशन हाई होना चाहिए। रैंक लाना है अगर रोहित सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं, तो एक मोटिवेशन हो, लेकिन रैंक लाना है, रैंक लाना, रैंक लाना है, मुझे उसी तरीके स्टडी करना, बहुत टफ स्टडी करना है, वो एक्चुअली नहीं होना चाहिए, मैं वो बोलना चाहता था, ठीक है ना? तो रोहित झगड़ा नहीं करते इसके अंदर में, हम दोनों का अल्टीमेट जो मोटिव है, जो बोलना है वही है, अल्टीमेटली बच्चा हमारा जो है वो आगे अच्छे तरीके से बढ़े। आज के टाइम पे एक चीज और मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो कि मतलब कि अच्छे बच्चे हैं वो सीए करने से डरते हैं, वो कहते हैं कि यार बहुत टफ है, हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मेरे हिसाब से उतना टफ नहीं है अगर हम इसको एक रेगुलर कंटिन्यू स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई डाउट नहीं कि जब बड़ी डिग्री हमारे पास होती है तो बड़े मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है, बड़ा आपको चाहिए भी, बहुत कुछ करना भी पड़ता है, लेकिन बहुत टफ है, कुछ लोग पास होते हैं इसलिए मैं नहीं करूंगा, तो वो तो खैर पहले ही डरे हुए लोग हैं, उनके लिए डिग्री है ही नहीं। लेकिन जो बच्चा डिग्री करना चाहता है, आप रोहित बने, रोहित से भी अच्छे अच्छे आपको रैंक लेकर आने हैं, रोहित का रैंक बहुत अच्छा है, ये भी अपने में बहुत बड़ा एक कैपेबिलिटी है, उससे भी आगे आप लोग निकलो, ये मैं भी चाहता हूँ एंड रोहित भी चाहते हैं, है ना रोहित? ऐसे हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहा है मोस्टली, कि बस सिलेबस ज्यादा है, क्वेश्चन में ऐसा पेपर में नहीं होता कुछ आउट ऑफ वर्क दे दिया जो हमने पढ़ा नहीं, सब आता है जो हमें टीचर्स पढ़ाते हैं। हर एक चीज में होता है एक्चुअली, चाहे वो सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो,
जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये 100% का श्योरिटी है कि इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट है उन्होंने उसको कवर किया हुआ है, चाहे 2 लाइन में कवर किया हो चाहे 2 पेज में कवर किया हो किया हुआ है, बट बशर्ते कि हम लोग कितना डीपली उसको स्टडी करते हैं समझते हैं उस पर आपका मैटर करता है। चलिए आपको ऑल द बेस्ट रोहित, आप आगे बढ़ो और आप जल्दी से फाइनल में मेरे साथ फिर से मिलो और कहो कि सर मैं फर्स्ट रैंक लेकर आया हूँ, सेकंड रैंक लेकर आया हूँ, वो बहुत अच्छा एक आपके लिए अचीवमेंट होगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट आपके स्टडी के लिए, इनके किसी तरीके की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है मेरे तरफ से तो मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़िए और आगे बढ़िए आप, थैंक यू। करते हैं कि बाल की स्टाइल कहाँ से लेकर आया है? नहीं छोटे कर दी बट ये स्टाइल अच्छा लग रहा मुझे, तो आप ऐसे बाल बना के रखे तो एक्चुअली सीधे बच्चों की निशानी होती है जो आपका बाल स्टाइल हो बाल। मैं भी बचपन में ऐसे रखा करता था लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर टीचिंग में आ गया, फिर उसमें थोड़ा बाल का स्टाइल चेंज करना पड़ा, अदरवाइज हम लोग के बाल किस्ता। मैं तो चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के उन सबका तो एक अलग ही मजा रहेगा, सभी रोहित के जैसे दिखने शुरू हो जाएंगे। एनीवे चलिए कोई नहीं, आप आगे बढ़िए और लाइफ को आगे बढ़ाओ बच्चे, ठीक है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA CMA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों ना फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन, हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। दिस इज कोमल मिश्रा ऑफ क्लास 11। आई एम बिशप लेवल प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन। हेलो, माय नेम इज अंशिका एंड आई एम डूइंग सीए इंटरमीडिएट। आई एम फ्रॉम बिहार, स्टूडेंट ऑफ सीए सिंस क्लास 11th एंड नाउ इन फाउंडेशन। आई हैव परचेस्ड माय सीएमए इंटरमीडिएट क्लासेस फ्रॉम CSE एजुकेशन। हाय एवरीबॉडी, दिस इज राहुल, आई एम करंटली परसुइंग द सीएमए फाइनेंस। मैंने YouTube पर पहली बार तो सर के क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।